वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ श्री बी एच बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिविज़न इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एम सी क्यूज है उसके बारे में बात करेंगे ये सारे के सारे एम सी क्यूज़ नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो सेल साइकिल और सेल डिविज़न से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चुनिंदा क्वेश्चन बनाए गए हैं अगर आप इन क्वेश्चन को बारीकी से पूरे एनालिसिस के साथ में पूरी अटेंशन के साथ इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपके इस पूरे चैप्टर का आपको रिवीजन मिलेगा और साथ ही साथ ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से प्रिपेयर होगा हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको सात सेकंड दी जाएंगी सोचने के लिए ताकि आप उसके बारे में एक ओपिनियन बना सके क्वेश्चन के बारे में आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सको ठीक है उसके बाद भी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो मैं उसका आपको डिटेल्ड आंसर दूंगा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ए सेल साइकिल सेल साइकिल का करेक्ट सिक्वेंस क्या है फर्स्ट ऑप्शन है जी टू एम जीवन एस दूसरा ऑप्शन है एस जी टू एम जीवन तीसरा ऑप्शन है जीवन एस जी टू एम और चौथा ऑप्शन है एम जीवन एस जी टू योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है बच्चों वो है सी जीवन एस जी टू और एम ठीक है नेक्स्ट हम बात करते क्वेश्चन सेकंड की ए सेल साइकिल इंक्लूड्स सेल साइकिल क्या इंक्लूड करता है फर्स्ट ऑप्शन है इंटरफेज एंड एम फेज सेकेंड ऑप्शन है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज थर्ड ऑप्शन है जीवन एस जी टू फेजेज और फोर्थ ऑप्शन है केरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है इंटरफेज एंड एम फेज इंटरफेज के अंदर जीवन एस जीटू आ गई और एम फेज इन दोनों को हम इंक्लूड करते हैं किसमें सेल साइकिल में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको ये फिगर दिया है इसमें आपको वन उसके बाद में टू थ्री और ये फोर इसको आइडेंटिफाई करना है आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है ए बी सी डी दिया है आपको ऑप्शन को पढ़ना है और इस क्वेश्चन के अंदर जो दिए गए पॉइंट्स हैं जो लेबल है उसको रिकॉग्नाइज करना है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है फर्स्ट इसके अंदर ए जो दिया गया है फर्स्ट जो दिया गया है वो क्या है क्रोमेटेड ये क्या है क्रोमेटेड है एक जो सिंगल दिख रहा है आपको ये क्रोमेटेड है सेकंड जो इसके अंदर दिख रहा है ये आ गया सेंट्रियोल थर्ड जो दिख रहा है इसके अंदर ये सेंट्रोमियर है जो सेंटर के अंदर दिख रहा है और उसके बाद में जो फोर्थ है इसके अंदर वो क्या हो गया क्रोमोजोम ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया एक क्रोमोजोम ठीक है अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की स्पिंडल फॉर्मेशन कैन बी डिस्टर्पटेड बाई एक्सपोजिंग सेल टू माइक्रोट्यूब्यूल पॉइजन्स सच एच माइक्रोट्यूब्यूल पॉइजन से हम स्पिंडल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं इनमें से किसके थ्रू पहला ऑप्शन है हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए तीसरा है कोलेस्ट्रॉल और चौथा है कोल्सिसिन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कॉल सीन ये क्या कर सकता है स्पिंडल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है क्वेश्चन नंबर फाइव है डी एन ए रेप्लीकेशन अकरिन डी एन ए रेप्लीकेशन कब होता है पहला ऑप्शन है एस फेज दूसरा है जी वन फेज तीसरा है जी टू फेज और चौथा है एम फेज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है बच्चों वो है एस फेज ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन सिक्स की द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज कॉल्ड एच दो सक्सेसिव एम फेज के बीच की जो फेज है उसको क्या कहते हैं पहला ऑप्शन मेटाफेज दूसरा एनाफेज तीसरा है प्रोफेज और चौथा है इंटरफेज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है डी कौन सा हो गया इंटरफेज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन इंटरफेज इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज बिकॉज इंटरफेज को रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं पहला ऑप्शन है इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल दूसरा है देर इज नो अपरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल डिविजन तीसरा ऑप्शन है इट डज नॉट प्रिपेयर सेल फॉर सेल डिविजन और चौथा है इट इज द फेज वेर सेल रिस बिफोर एंट्री इन टू माइटोसिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है बी देर इज नो अपरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल डिविजन सेल डिविजन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी इसमें नहीं होती इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं रेस्टिंग फेज ठीक है अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की क्वेश्चन नंबर एट है नॉन डिवाइडिंग सेल एंटर्स द नॉन डिवाइडिंग सेल किस में जाती है पहला ऑप्शन है जी टू फेज दूसरा है एम फेज तीसरा है जी जीरो फेज और चौथा है एस फेज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो हो गया जी जीरो जी नोट जो फेज होती है उसके अंदर कौन सी से सेल जाती है नॉन डिवाइडिंग सेल अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की सेलेक्ट द करेक्ट मैच करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है इसमें पहला ऑप्शन है क्यूसेंट फेज जी टू फेज सिंथेसिस फेज जी वन फेज सेंट्रोमियर फेज एनाफेज और फोर्थ है क्रोमोजोम कंडेंसेशन टो फेज योर टाइम स्टार्ट नाउ तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी सेंट्रोमियर फेज को हम क्या बोलते हैं एनाफेज ठीक है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की टेन के अंदर आपको कोलम फर्स्ट और कोलम सेकेंड दिया है आपको कोलम फर्स्ट और सेकेंड को मैच करना है कोलम फर्स्ट में दिया बीस से पेट एना फेज एल सेफ एट एनाफेस जे सेफ एट एनाफेस आई सेप एट एनाफेस ये क्रोमोजोम की सेप है इसके अंदर कौन कौन सी टर्म काम में लेते हैं इनके लिए एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम मेटासेंट्रिक सेंट्रिक क्रोमोजोम टिलोसेंट्रिक क्रोमोजोम और सब मेटासेंट्रिक सेंट्रिक क्रोमोजोम यह आपके ऑप्शन हैं आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और इसके अंदर राइट ऑप्शन को चूज करना है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है बी ए के अंदर आएगा सेकंड जो वी सेप है वो कंडीशन कौन से अंदर मिलेगी मेटाफेज के अंदर बी के अंदर आएगा फोर बी के अंदर क्या आ गया एल सेप किसके अंदर मिलेगी सब मेटा सेंट्रिक उसके बाद में सी के अंदर आएगा फर्स्ट जे सेप मिलेगा एक्रोसेंट्रिक के अंदर और डी के अंदर मिलेगा थ्री ये डी के अंदर क्या हो गया टीलोसेंट्रिक आई सेप जो एट एनाफेज है वो किस में होगी टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम में ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की आपको एक ग्राफ दिया गया है इस ग्राफ के अंदर आपको एक साइड डीएनए कंटेंट दिया है एक साइड टाइम दिया है ये डीएनए कंटेंट टू सी है ये फोर सी है ए बी सी डी को आपको रिकॉग्नाइज करना है ये अलग अलग फेजेस से रिलेटेड है जीवन एस जी टू और एम से आपको इनको पहचाना ए बी सी डी को ये ए बी सी डी है आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है सी ए के अंदर क्या आएगा जीवन ये देखो ये क्या हो गया ये जीवन है बी के अंदर क्या आएगा ये हो गया एस जो डीएनए कंटेंट है देखो बढ़ गया फोर सी हो गया बी के अंदर जी टू के अंदर भी क्या रहेगा ये फोर सी और उसके बाद में डी क्या हो गया एम ये क्या हो गया वापस से डी कंटेंट कितना आ गया टू सी एम फेज के अंदर ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व की ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है ए सेल डिविजन टाइम इज वन मिनट इन ट्वेंटी मिनट्स ए कल्चर ट्यूब कल्चर मीडियम्स इज वन बाई एट्थ फील्ड विथ सेल्स वेन द ट्यूब विल फुल्ली फील्ड वन बाई एट्थ फील्ड है एक मिनट के अंदर डिवाइडेशन शो कर रही है आपको बताना है कितने समय के अंदर ये ट्यूब पूरी भर जाएगी पहला ऑप्शन ट्वेंटी वन मिनट दूसरा ट्वेंटी थ्री मिनट तीसरा सिक्सटी मिनट्स होता है वन सिक्सटी मिनट्स योर टाइम स्टार्ट नाउ इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ट्वेंटी थ्री मिनट्स ट्वेंटी थ्री मिनट के अंदर क्या हो जाएगी वो पूरी भर जाएगी बीस मिनट के अंदर क्या है वो वन एट इक्कीसवें मिनट क्या हो जाएगी वन फोर्थ बाईसवें मिनट क्या हो जाएगी वन टू हाफ हो जाएगी ठीक है और तेईसवें मिनट क्या हो जाएगी वो पूरी तरीके से भर जाएगी ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन द इनिशियल अमाउंट ऑफ डी एन एज एट सी डी एन ए कंटेंट एट सी है देन आफ्टर एस एस फेज द अमाउंट ऑफ डी एन ए वुड बी फर्स्ट ऑप्शन है फोर सी दूसरा है एट सी तीसरा है सिक्सटी फोर सी और चौथा है सिक्सटीन सी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो होगा चार सोलह सी सिक्सटीन सी मतलब क्या हो जाएगा कंटेंट जस्ट डबल हो जाएगा आफ्टर एस फेज नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन जीवन फेज इज थर्टी सिक्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एस फेज थर्टी सिक्स क्रोमोजोम नंबर है जीवन में एस फेज में आपको बता आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है थर्टी सिक्स दूसरा है एटीन तीसरा है ट्वेंटी टू और चौथा है थर्टी सेवन योर टाइम स्टार्ट नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है थर्टी सिक्स क्रोमोजोम नंबर सेम होंगे डीएनए जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की मेजर चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल ऑप्शन फर्स्ट है जीवन एस ट्रांजिशन ऑप्शन सेकंड है एस जीवन ट्रांजिशन ऑप्शन थर्ड है जी टू एम ट्रांजिशन और ऑप्शन फोर्थ है एम जी टू ट्रांजिशन योर टाइम स्टार्ट नाउ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट जीवन एस ट्रांजिशन को बोलते हैं मेजर चेक पॉइंट ट्रांजिशन नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्सटीन जीवन एस ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाई किससे रेगुलेटेड होता है आपके ऑप्शन है साइक्लिन ओनली दूसरा है साइक्लिन इंडिपेंड काइनेजेज तीसरा है माइटोटिक साइक्लिन एंड सीड्यू सू टू साइक्लिन और फोर्थ है जीवन साइक्लिन योर टाइम स्टार्ट नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो होगा डी जीवन साइक्लिन से क्या होता है जीवन एस ट्रांजिशन रेगुलेट होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन सेवनटीन आपको एक फिगर दिया है ये सेल का फिगर है ये इसका न्यूक्लियस इसके अंदर ये क्रोमोजोम है आपको इसके अंदर नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम देखने हैं दूसरा देखना नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स और तीसरा देखना नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स ये आपके ऑप्शन है ए बी सी और डी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है पी नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कितने इसमें तीन देखो एक दो और ये हो गया तीन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए नंबर ऑफ क्रोमेटिड इसके जस्ट डबल हो गए ठीक है देखो दो चार छ आठ दस और ये हो गए बारह नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने हो गए छ हो गए एक दो तीन चार पाँच और ये ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन की आपको एक फिगर दिए गए हैं ए बी सी इसके अंदर क्रोमोजोम की सिचुएशन सेंट्रोमियर की सिचुएशन आपको देख के बताना है सेल को कि ये कौन सी फेज है ए बी सी डी दिए गए यो टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है बी ए किसको रिप्रेजेंट करता है मेटा फेज को ये मेटाफेस प्लेट के ऊपर लाइंग है बी रिप्रेजेंट करता है एनाफेज फर्स्ट को जो एनाफेज फर्स्ट है क्योंकि क्रोमोजोम किधर चले गए सेंट्रोमियर की तरफ होमोलोगस क्रोमोजोम और लास्ट रिप्रेजेंट करता है टीलो फर्स्ट को क्योंकि होमोलोगस क्रोमोजोम एक मेम्ब्रेन के अंदर आ गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन उसी तरह की इसे वापस है, आपको फिगर दिए गए ए बी सी इसकी सिचुएशन देखना है आपको ऑप्शन इसमें दिए हैं एना फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एना फेज ऑफ माइटोसिस ये सेकंड को कर रहा है एना फेज ऑफ मियोसिस सेकंड ये थर्ड को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ए बी सी किस रिलेटेड है उसको पहचान है आपके ऑप्शन ए बी सी डी कुछ इस प्रकार है यो टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है ए मतलब ए किससे रिलेटेड है सेकेंड से रिलेटेड ये जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है वो किससे रिलेटेड है सेकेंड एना फेज ऑफ माइटोसिस ठीक है बी किस से रिलेटेड है फर्स्ट से रिलेटेड जो बी डायग्राम है वो रिलेटेड हो गया इस फर्स्ट से एना फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट और सी किस से रिलेटेड हो गया थर्ड से रिलेटेड एना फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड ये हो गया सी से रिलेटेड ठीक है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की इस फिगर के अंदर आपको तीन सेल के डायग्राम दिए हैं आपको इसको आइडेंटिफाई करना ए बी सी को आपके ऑप्शन ए बी सी डी कुछ इस प्रकार है इस क्वेश्चन के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो होगा बी एक के अंदर आएगा मेटाफेस फर्स्ट ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करा किसको मेटाफेस फर्स्ट को ये हो गया मेटाफेज फर्स्ट के लिए जो बी दिया है इसके अंदर वो हो गया प्रोफेज सेकेंड से रिलेटेड ये हो गया प्रोफेज सेकेंड से रिलेटेड और जो सी दिया गया है वो किस से रिलेटेड हो गया एनाफेज सेकेंड से रिलेटेड ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन माइटोटिक स्पिंडल इनिशिएट्स ड्यूरिंग पहला ऑप्शन है टिलोफेज दूसरा है एनाफेज तीसरा है प्रोफेज और चौथा है मेटाफेज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोफेज माइटोटिक किस किसमें बनते हैं प्रोफेज में नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्वेंटी टू न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग कब डिस होती है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला ऑप्शन एनाफेज दूसरा इंटरफेज तीसरा टिलोफेज और चौथा है प्रोफेज योर टाइम स्टार्ट नाउ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोफेज प्रोफेज में डिसअपियर होती है और टीलोफेज में वापस रीअपियर होती है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल ऑन क्रोमोजोम इज कार्ड माइक्रोट्यूब्यूल जहां पर जुड़ती है उस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रोमियर सेकेंड है काइनेटोकोर तीसरा है क्रोमेटिड और चौथा है स्पिंडल योर टाइम स्टार्ट्स नाउ उस पॉइंट को हम बोलते हैं को राइट right आंसर क्या है बी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फोर वट विल बी द टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वेंटी फोर सेल ट्वेंटी फोर सेल को बनाने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे पहला ऑप्शन सिक्स दूसरा है थर्टी टू तीसरा है सिक्सटी थ्री और चौथा है सिक्सटीन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है ए सिक्स डिवीजन होंगे तो कितने सेल बन जाएगी सिक्सटी फोर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव की इन पेकाइटिन ईच टेट्राड कंटेन एक पेकाइटिन स्टेज में हर टेट्राड के अंदर क्या होगा पहला ऑप्शन है टू क्रोमेटिड्स दूसरा है वन क्रोमेटिड्स तीसरा है फोर क्रोमेटिड्स और चौथा है थ्री क्रोमेटिड्स योर टाइम स्टार्ट नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है सी कितने क्रोमेटेड होंगे चार क्रोमेटेड होंगे किसके अंदर टेट्राड के अंदर बात करते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी ओवर अक्कर ड्यूरिंग पहला ऑप्शन है इसके अंदर एनाफेस फर्स्ट दूसरा है लेप्टोटीन तीसरा है डिप्लोटीन और चौथा है पेकाइटीन योर टाइम स्टार्ट नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो कौन सी फेज होगी पेकाइटिन जिसमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्पेस द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस कर जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस साइट को क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन डाइकाइनेसिस दूसरा है सिनेप्सिस तीसरा है काइजमेटा और चौथा लेप्टोटिन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो होगा सी उस एक्स सेप स्टेज को हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को काइज मेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वट विल बी द अमाउंट ऑफ डी एन ए इन मियोसिस सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसाइट कंटेन थर्टी पिकोग्राम डी एन ए इन जीवन फेज जीवन फेज के अंदर कितना थर्टी पिकोग्राम डी एन ए कंटेंट है आपको मियोसिस सेकेंड के प्रोडक्ट में बताना है फर्स्ट ऑप्शन है थर्टी पिकोग्राम सेकेंड है सिक्सटी पिकोग्राम थर्ड है इसके अंदर 15 पिकोग्राम और फोर्थ है 120 पिकोग्राम योर टाइम स्टार्ट नाउ तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो हो गया 15 पिकोग्राम मियोसी सेकेंड के प्रोडक्ट के अंदर कितना हो गया 30 पिकोग्राम से हाफ नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर आपको ये सेल साइकिल दिख रहा है ये हो गया इसके अंदर सी ये हो गया ए ये बी और ये डी आप इसको रिकॉग्नाइज करके बताना है इसमें मिसमेच पेयर कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन ए है स्टार्ट्स विथ स्टार्ट्स विथ कैरियोकाइनेसिस एंड एंड्स विथ साइटोकाइनेसिस ये हो गया ए से रिलेटेड बी है स्टेज वेयर सेल्स आर इनक्टिव माइटोटिकली ये हो गया इधर बी से रिलेटेड सी ए सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबोलिज्म ये हो गया सी से रिलेटेड और चौथा है डी पीरियड्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ आप इस आपको इन चारों में से पहचाना गलत कौन सा है पेर योर टाइम स्टार्ट नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है बी स्टेज वेर सेल्स आर इन माइटोटिकली ये जो बी है यहां पर इसके अंदर मिसमैच किया है जबकि एक्टिव फेज होती है माइटोटिकली ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी की आपको दिया है इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर डुप्लीकेशन जेनेटिक मटेरियल फोरसी स्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, मेमब्रेन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन डी एन रेप्लीकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन आपको क्या करना है हाउ मैनी ऑफ अबो फीचर्स आर असोसिएट विथ सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल सेल साइकिल की जो सिंथेसिस फेज फेज बोलते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से फीचर मेज करते हैं आपको इसको रिकॉग्नाइज़ करना है पहला ऑप्शन है आपका थ्री दूसरा है फाइव तीसरा है फोर और चौथा है सिक्स योर टाइम स्टार्ट नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो क्या है फाइव इसके अंदर फाइव जो है वो किससे रिलेटेड है अबाउट रिलेटेड टू सिंथेसिस फेज ऑफ डी एन ए ठीक है पहला इसके अंदर है सेंट्रियल का डुप्लीकेशन होता है दूसरा डी एन ए का रेप्लीकेशन होता है ठीक है फिर स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है क्रोमे, क्रोमेटीन फाइबर डुप्लीकेशन होता है और जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है फोर्स एक दो तीन चार और ये पाँच किससे रिलेटेड हो गए ये रिलेटेड हो गए सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन की सेलेक्ट द करेक्ट मैच आपको इसके अंदर करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है पहला ऑप्शन है रिफॉर्मेशन ऑफ ई आर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये किस में होता है टिलो फेज में दूसरा है इनविजिबल फेज ऑफ सेल साइकिल मेटा फेज में तीसरा है इसके अंदर पोलर मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स एस फेज में और चौथा है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन जाइगोटिन आपको इसमें करेक्ट जो मैच है उसको सेलेक्ट करना है टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है फर्स्ट इसके अंदर क्या के है रिफोर्मेशन ऑफ ई आर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स कौन से फेज में होंगे टीलो फेज में बाकी सारे केस में मिसमेज पेयर है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की बेस्ट स्टेज ऑफ स्टडी मोर्फोलॉजी एंड शेप ऑफ क्रोमोजोम आर रेस्पेक्टिवली क्रोमोजोम की सेप और मोरफोलॉजी की स्टडी के लिए कौन सी फेज सबसे बढ़िया है फर्स्ट ऑप्शन है मेटाफेस टिलोफेस दूसरा है प्रोफेज एनाफेस तीसरा है टिलोफेज एनाफेस और चौथा है मेटाफेस एंड एनाफेस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो है डी मेटाफेज और एनाफेज ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री की हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी सेल हैव एट जीवन आफ्टर एस एंड आफ्टर एम आफ्टर एम फेज रेस्पेक्टिवली इफ इट एज इट हैज फोरटीन क्रोमोजोम एट इंटरफेज इंटरफेज में फोरटीन क्रोमोजोम है आपको बताना जीवन फेज एस फेज के बाद में और एम फेज के बाद में कितने क्रोमोजोम मिलेंगे पहला ऑप्शन है फोर्टीन फोर्टीन सेवन दूसरा है फोर्टीन 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 तीसरा सेवन 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 और चौथा है सेवन फोर्टीन फोरटीन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो होगा बी फोर्टीन 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 तीनों के नंबर कितने होंगे फोर्टीन 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 नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्टी फोर इफ इट डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विथ कॉल्सिस देन इट बिकम्स पहला ऑप्शन है ट्रिप्लॉइड दूसरा है टेट्राप्लॉयड तीसरा है डिप्लोइड और चौथा है मोनोप्लॉयड योर टाइम स्टार्ट नाउ क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो होगा बी ये किसको इंड्यूस करता है टेट्राप्लोइडी को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन थर्टी फाइव इन एन एनजीओ स्पम हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हंड्रेड पोलन ग्रेन्स हंड्रेड पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी एमएमसी चाहिए माइक्रोस्पोर मदर सेल पहला ऑप्शन सेवेंटी फाइव दूसरा है हंड्रेड तीसरा है ट्वेंटी फाइव और चौथा है फिफ्टी योर टाइम स्टार्ट नाउ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार पोलन ग्रेन बनते हैं तो 25 से कितने बन गए 100 इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट किए 35 इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप दी गई लिंक को सेलेक्ट करके इन क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हो ताकि आप वापस इनको पढ़ सको आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेल साइकिल और सेल डिवीज़न से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके थैंक यू थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स